अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या बोलूँ, भूल गई। खैर तो गाइस आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्यों ब्लॉग्स नहीं करी थी और क्यों अब कर रही हूँ वो आप लोगों को बाद में बताऊँगी। तो गाइस देखिए, आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, तो अभी मैं कपड़े धो रही हूँ, उसके बाद क्या करूँगी वो आप लोगों को बताऊँगी। वैसे भी बहुत टाइम हो गया मैं ब्लॉग नहीं शूट करी, तो गाइस देखिए आ गया। ओके, स्टे ट्यून एंड वॉच। तो गाइस देखिए, हमारे झाड़ माशाल्लाह से बहुत ग्रीन हो गए हैं, थोड़े हो गए तो पूरे, अब ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि ग्रीन हो गए माशाल्लाह से। अभी पानी डाले शायद उन्हों, तो देखिए। तो गाइस चलिए, अब हो गया अपना कपड़े धोना, आप कपड़े डाल के मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पे ना ये रेड चिक्की खा रही हूँ जो बचपन में बहुत खाते थे। नहीं, अब हमारी दीदी को बहुत टाइम से बोल रही थी, तो उन्होंने गए थे तो लेके आए कामिल की है, बट इट्स रियली टेस्टी, मेरी फेवरेट है। आप लोगों की भी है तो कमेंट्स में बताइए। और गाइस उसके साथ ही ना ये फल्ली की चिक्की भी लेके आए थे, उतनी अच्छी नहीं थी ये, बट दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट। गाइस देखिए, ये है मूंग की दाल, तो मैं इसको पीसने वाली हूँ क्योंकि हमारे मम्मी को मूंग दाल के चीले खाना है। तो गाइस देखिए, मैं ये दाल पीस के आपको बताऊँगी। गाइस देखिए, मूंग दाल में मैं ये मिर्ची डाल दी है, और अपन को इसमें डालना है ये लहसुन, और डालना है क्या बोलते उसको, भूल गई मैं, करियापक नहीं, सॉरी क्या है, याद ही नहीं आ रहा, देखो मेरे को, कोतमीर। तो गाइस चलिए, अपन ये सब डाल के मैं आपको पीस के बता दूँ। गाइस मैं पीस दी पूरा वो मूंग की दाल, तो मैं सोचा थोड़ा ली, अपन बना के देखेंगे अब कैसा बनता है इसका डोसा, पहली बार ट्राई कर रही हूँ मैं, तो देखेंगे। देखिए चलिए, अब देखते रहिए। गाइस देखिए, मेरा डोसा कैसा दादी मई, अब इसको कैसा दिखता है, ये ने तेल तो बहुत डाल दी, अब क्या करूँगी इसको देखेंगे थोड़ी देर, फिर बताती हूँ मैं। गाइस कच्चा पक्का डोसा हो गया मेरा, मेरा टेस्टी है, तो मेरा डोसा ऐसा बना, देखो गाइस मेरा डोसा बन गया, ये ऐसा दिख रहा, देखिए अब मैं खा के देख। Not bad. अच्छा, आप लोग भी खाइए। तो गाइस अब मैं डिनर करने वाली हूँ, तो मैं रोटी दाल ले आई, चलिए मैं डिनर बना के आपको बता दूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। तो गाइस देखिए, मैं गोली से रोटी बनाती हूँ, तो मेरी रोटी अभी पक रही, पके बाद बताती हूँ। मेरी रोटियाँ बन गए, मैं प्याज का अंडा खाना सोच रही थी, मगर अब प्याज काट देता आधा मूड ख़राब हो जाता, रोना आ जाता, तो मैं अब यहाँ पे अदरक लहसुन डाल रही हूँ, मिर्ची नमक डाल के इसको फेंट के अंडा तलेंगे। तो गाइस देखिए, मैं खाना खा ली, मेरी प्लेट देख सकते हैं आप लोग। तो वेल दैट्स इट गाइस, मैं इतना ही बनाई व्लॉग क्योंकि मैं और नहीं बना सकी, और वैसे भी आज मैं सोची नहीं थी कि फिर मेरे को क्या ख्याल आया, तो मैं शाम से स्टार्ट करी व्लॉग, नहीं तो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस बात ऐसी है कि मैं व्लॉग नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था, मेरा दिल ही नहीं पता था, मैं फ़ोन इतने बार लेके बैठी हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या करूँ। इसकी वजह ये है कि 13 डेज़ पहले मेरे आंटी का इंतकाल हो गया,
अल्लाह उनको जन्नत में आला साला मुखाम अता फरमाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं वो वजह से ना बहुत डिस्टर्ब हो गई, वो चीज़ की वजह से ऐसा सडन हो गया, हम लोग कोई सोचे भी नहीं थे इस बारे में मालूम। तो अपन जो चीज़ के लिए रेडी नहीं रहते वो चीज़ एकदम से होगी तो संभलना मुश्किल हो जाता है इंसान को, मगर ज़िंदगी है, चलना पड़ता कैसे भी रहो। तो गाइस ज़िंदगी अब तो अपन को चलना ही पड़ता, और क्या बोल सकते, रहना ही पड़ता दुनिया में जब तक है। तो गाइस इसलिए मैंने बनाई थी व्लॉग्स, तो आप लोग भी मेरे आंटी की मगफिरत के लिए दुआ करिए प्लीज़। और वेल दैट्स इट गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय।